डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास सिक्स एनसीआरटी मैथ्स में जो हमारा नाइन्थ चैप्टर है बच्चों उसकी लास्ट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर को कम्प्लीट करवाऊँगा इसमें हमें बार ग्राफ्स को बनाना सीखना है नाइन पॉइंट थ्री में हमने सीखा था कि कैसे हम बार ग्राफ्स को रीड करके उनसे डाटा निकाल सकते हैं और इसमें हम जो हैं डेटा हमें गिवन है हमें इससे बार ग्राफ में चेंज करना है तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन their फ्री टाइम क्या किया गया एक स्कूल स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया गया 120 ट्वेंटी टोटल स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो जो है अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं तो प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी प्लेइंग खेलना पसंद करते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स वॉचिंग टी वी लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग तो सभी का डेटा यहाँ पर दिया गया कि प्लेइंग जो है वो फोर्टी बच्चों को पसंद है रीडिंग स्टोरी बुस थर्टी को इसी तरह से नेक्स्ट भी तो क्या करना है हमें ड्रा अबार ग्राफ, To illustrate the above data, taking a scale of वन unit length is equal to फाइव स्टूडेंट तो ये हमें scale choose करना है Which activity is preferred by most of the स्टूडेंट other than playing? फिर इसके question का answer देना है तो पहले तो हम graph बनाते हैं graph बनाने के लिए बच्चों हमें एक चाहिए scale और आपको use करनी है pencil. मैं यहाँ pen का कर रहा हूँ लेकिन आप लोग जो है वो pencil का use करेंगे इस तरह से हमने रखा scale और हम बनाएंगे एक सीधी लाइन ठीक है इस तरह से हमने एक लाइन बनाई अब हम बनाएंगे इस तरफ भी सेम लाइन ठीक है बच्चों ये हमारी दोनों एक्सिस बन के तैयार हो चुकी हैं अब हमें क्या करना है बार्स जो अगर हम इस तरफ बनाते हैं तो यहां पे हमें पॉइंट्स लगाने होंगे स्केल का यूज करके अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उस पर तो ऑलरेडी लगे होते हैं ठीक है अगर नहीं है तो इस तरह से आप बना सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमारा डेटा कित में जो है मैक्सिमम नंबर है फोर्टी फाइव तक और स्केल लेना है हमें फाइव का तो वन यूनिट लेंथ फाइव को रिप्रेजेंट करेगी तो नाइन कट हम लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है नाइन ही हमें चाहिए एक्स्ट्रा हम जरूरत नहीं है यहाँ लिखेंगे हम ज़ीरो फिर फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव ठीक है तो इस तरह से आपका जो है वाई एक्सिस तैयार हो चुका है इस तरफ हम जो है इक्वल पॉइंट लगाएंगे टोटल हमारे पास जो है एक्टिविटीज जो है वो फाइव हैं तो हम यहाँ पर टेन पॉइंट्स लगा देते हैं एक दो एक्स्ट्रा ही लगा देंगे वन टू एक बार यहाँ बन जाएगा फिर थ्री फोर यहाँ बन जाएगा यहाँ पे थर्ड यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ अब ये क्या है इसमें इनका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे फर्स्ट है हमारा प्रेफर्ड एक्टिविटी क्या है फर्स्ट प्लेइंग फोर्टी फाइव स्टूडेंट तो प्लेइंग वाले का बार जो है हम कहाँ तक लेके जाएंगे फोर्टी फाइव तक तो इसको बच्चों हम यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है फर्स्ट जो लाइन है इसको फोर्टी फाइव तक जो है ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से स्केल का यूज करके आपने बनाना है ठीक है इस तरह से इसको डार्क कर लेना है नेक्स्ट जो है लाइन सेम इसी हाइट तक हम लिख कर जाएंगे और ऊपर जो है ये आपने स्केल के साथ इसको ज्वाइन करवा देना है ठीक है और जो इसकी हाइट थी बच्चों इसके ऊपर हाइट जरूर लिखा करो फोर्टी फाइव और ये एक्टिविटी थी कौन सी प्लेन ठीक है तो यहां पे हम नीचे इसको दे सकते हैं और आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसके बीच में भी ये लिखी जाती है ठीक है तो आपकी इच्छा है नेक्स्ट तो रीडिंग द बुक रीडिंग स्टोरी बुक तो वो कितनी है थर्टी है तो थर्टी तक हम ग्राफ को लेके जाते हैं इस तरह से और नेक्स्ट लाइन को भी थर्टी तक ही ऊपर लेके जाएंगे और इसको ज्वाइन करवा देते हैं तो ये ऊपर जो है हम इसके डेटा लिखेंगे थर्टी है और ये किस चीज की है रीडिंग स्टोरी बुक ठीक so है रीडिंग स्टोरी बुक नेक्स्ट है बच्चों वाचिंग टीवी ट्वेंटी तो वाचिंग टीवी वाले हैं ट्वेंटी तक तो तक इसको लेके जाते हैं जितना आप ग्राफ को साफ बनाते हैं क्लियर बनाते हैं उतने ही आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी है और ये क्या है वाचिंग टीवी यहाँ हम देते हैं वाचिंग टीवी ठीक है नेक्स्ट वाला देखो बच्चों नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूजिक टेन लिसनिंग टू म्यूजिक यहाँ पर हम इस तरह से दोनों तरफ बढ़ा देंगे इसको बच्चों और ये मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे टेन और ये था हमारा डाटा किसका लिसनिंग टू म्यूजिक का तो यहाँ मैं म्यूजिक ले देता हूँ आपने फुल लिखना है लिसनिंग टू म्यूजिक और लास्ट वन है बच्चों यहाँ पे देखो पेंटिंग और फिफ्टीन स्टूडेंट है पेंटिंग वाले तो फिफ्टीन स्टूडेंट देखो हमारे बन जाएंगे यहाँ पर इस तरह से तो ये स्टूडेंट और ये हैं पेंटिंग के ठीक है तो ये हमारा बार ग्राफ जो है फुल रेडी हो चुका है इस तरह से बनेगा अब क्वेश्चन का आंसर देना था हमें विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग प्लेइंग को छोड़ के ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा है प्लेइंग को छोड़ के तो प्लेइंग को छोड़ दिया फोर्टी फाइव को बाकी सबसे ज्यादा कौन है बाकी सब में वो है रीडिंग स्टोरी बुक्स तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर रीडिंग स्टोरी बुक्स इज मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी अदर देन प्लेइंग अदर देन प्लेइंग ठीक है और एक इंपॉर्टेंट चीज और जो हमने लिखी नहीं है अभी तक वो है स्केल वो यहां पे देना है आपने वन यूनिट इज़ इक्वल टू फाइव स्टूडेंट्स। वन यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। ठीक है ये स्केल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है इसको जरूर आपने बारग्राफ पे लिख देना है नेक्स्ट करते हैं सेकेंड में देखो बच्चों द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट इन मैथामेटिक बुक्स सोल्ड बाई अ शॉपकीपर ऑन सिक्स शॉन बिलो क्या है कि सात लगातार दिनों में कितनी मैथ की बुक जो है सेल होती हैं, बेची जाती हैं, वो हमें डेटा यहां पे दिया गया है जैसे संडे को सिक्सटी फाइव बिकती हैं, मंडे को फोर्टी सेल होती हैं, ट्यूसडे को थर्टी ठीक है इस तरह से ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस आपने जो है स्केल अपनी मर्जी से लेना है तो देखो यहाँ पे मिनिमम ट्वेंटी से स्टार्ट है और सेवेंटी तक है तो हम टेन का स्केल लेते हैं ठीक है आप फाइव का भी ले सकते हो तो आपकी मर्जी है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टेन का स्केल और एक्स देखो टेन का स्केल लेंगे तो मैक्सिमम सेवेंटी है तो टेन सेवन जब सेवेंटी होता है तो सेवन पॉइंट्स हमें चाहिए मेनली तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस को सेवन पॉइंट तक चाहिए तो हम नाइन तक इसको ले लेते हैं एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा ही लाइन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एक्स एक्सिस बना देते हैं इस तरह से ठीक है अब हम वाई एक्सिस पे बच्चों बचो सेवन पॉइंट्स लगाते हैं स्केल के अकॉर्डिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और इस पे लिख देंगे ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ठीक है जो चाहिए हमें वो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे आ जाएगा 65. अब हमें जो है इस तरफ संडे मंडे ट्यूसडे के दिन चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स डेज का डेटा गिवन है तो यहाँ पे हम इस तरफ ट्वेल्व पॉइंट्स जो है वो लगा देते हैं बच्चों अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है क्योंकि लॉकडाउन है तो ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल होता है इसलिए थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है अगर अवेलेबल है तो उस पर आप आसानी से बना सकते हैं तो एक बार यहाँ बनेगा दो फिर तीन चार पाँच और छः ठीक है तो ये पॉइंट लगा दिए हमने अब देखते हैं संडे को कितने हैं सिक्सटी फाइव हैं तो ये इसके सेंटर में यहाँ पर आपने लेके जाना है स्केल को देखो सेवन पॉइंट पे सेवेंटी है तो हाफ़ नीचे ले आना इसको यहाँ पर ठीक है इस तरह से आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और सेकेंड लाइन को भी सेम हाइट पे ले जाना है और इनको स्केल के साथ ज्वाइन करवा देना है यहाँ पर ठीक है और इसके ऊपर हाइट जरूर लिखनी है बच्चों सिक्सटी फाइव और ये डे कौन सा था हमारा फर्स्ट संडे तो यहाँ लिख देते हैं हम संडे ठीक है शॉर्ट में लिख देते हैं आपने फुल लिखना है फिर नेक्स्ट है बच्चों मंडे को फोर्टी तो मंडे को फोर्टी है तो फोर्टी पे लेके जाते हैं इसको मंडे को बना दिया हमने फोर्टी इसको ज्वाइन करवा के ऊपर लिख देना है अपने फोर्टी और ये है मंडे के लिए डेटा तो नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बच्चों देखो थर्टी है तो थर्टी तक लेके चलते हैं अपने बार को और इसको ज्वाइन कर देंगे ऊपर लिख देंगे थर्टी और यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे नेक्स्ट बच्चों थर्सडे सॉरी थर्सडे नहीं गिवन है वेंसडे को है वेंसडे को है फिफ्टी uh, तो फिफ्टी बना देते हैं ठीक है और इसके ऊपर हाइट के ऊपर लिख देंगे हम फिफ्टी और ये है वेन्सडे के लिए नेक्स्ट थर्सडे के लिए सॉरी वनसडे थर्सडे भी है हाँ ट्वेंटी आएगा ठीक है 20 और यहां लिख देते हैं थर्सडे और लास्ट वन है फ्राइडे 70 तो 70 तक लेके जाएंगे बच्चों इसको अपने बार को 70 तक लेके चलते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं ऊपर लिखेंगे 70 और ये है फ्राइडे के लिए ठीक है तो इस तरफ जो है एक तो हमें लिखना है यहां पे स्केल कितना हमने लिया है स्केल कितना लिया 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ वन इज इक्वल टू टेन अब ये मैथमेटिक बुक्स है ना तो टेन बुक्स लिख देंगे टेन बुक्स ठीक है इस तरफ हमने क्या डेटा बनाया है नंबर ऑफ बुक सोल्ड तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ बुक बुक्स सोल्ड ठीक है और इधर क्या डेटा लिया हमने इधर हमने लिया है डेज तो यहाँ लिखेंगे डेज तो ये एक कंप्लीट बायोग्राफ हमारा तैयार हो चुका है नेक्स्ट करते हैं बच्चों थर्ड में देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैनुफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग ईयर्स नाइनटीन नाइनटी एट टू टू थाउजेंड टू मतलब इन इन सालों के दौरान कितने बाईसाइकिल बने हैं मैनुफैक्चर हुए हैं तो वो हमें डेटा गिवन है जैसे नाइनटीन नाइनटी एट में एट हंड्रेड बाईसाइकिल बने थे नाइनटीन नाइन्टी नाइन में सिक्स हंड्रेड थे इसी तरह से आगे इलस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग अ अफ चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस अपनी मर्जी से हमें स्केल लेना है तो बच्चों फिर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो मैं जो स्केल चूज करूंगा वो 200 का करूंगा आपने 100 का कर लेना है ज्यादा क्लियर रहेगा 200 का क्यों करूंगा क्योंकि अगर मैं हंड्रेड का लेता हूँ तो मुझे हंड्रेड के हिसाब से ट्वेल्व पॉइंट बनाने पड़ेंगे जो कि हमारी स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं जो है टू का स्केल लेकर बनाता हूँ आपने हंड्रेड के स्केल से बनाना है तो ज्यादा क्लियर बनेगा तो पहले हम लगाते हैं एक्स और वाई एक्स इसको अगर टू हंड्रेड का स्केल लेते हैं तो सिक्स पॉइंट हमें चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे सिक्स पॉइंट्स नोट कर देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है उसके बाद इधर से इस तरह से ठीक है यहाँ ज़ीरो हो जाएगा फिर मैं लिखूँगा टू हंड्रेड क्योंकि मैंने इसके लिया है टू हंड्रेड का टू हंड्रेड का ही आगे फोर हंड्रेड ठीक है फिर टू थ्री जो सिक्स हंड्रेड टू फोर जर एट हंड्रेड टू फाइव ज़र टेन होता है तो यहाँ थाउजेंड हो जाएगा और यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड आ जाएगा ठीक है अब हम इस पर अपना बनाते हैं बार तो कैसे देखो यहाँ पर है नाइनटीन नाइन्टी एट इधर जो है एट हंड्रेड तक जाएगा हमारा बार एट तो हंड्रेड तक हम पहले यहाँ पे नीचे पॉइंट्स लगा देते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितना चाहिए हमें ईयर्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव तो टेन पॉइंट्स हमारे लिए काफी रहेंगे तो पहला जो बार है हमारा बच्चों वो एट हंड्रेड तक है तो हम इसको लेके जाते हैं एट हंड्रेड तक इस तरह से और इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये आ जाएगा एट हंड्रेड हाइट और कौन सा ईयर है ये 1998 नाइन्टी एट ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट बार जो है बच्चों नाइनटीन नाइन्टी नाइन का सिक्स हंड्रेड तक है तो हम सिक्स हंड्रेड तक इसको बना देते हैं सिक्स हंड्रेड और ये है 1999 नाइन्टी नाइन नेक्स्ट देखो बच्चों टू थाउजेंड का है नाइन हंड्रेड तक अब नाइन हंड्रेड कहाँ आएगा थाउजेंड और इसके बिल्कुल सेंटर में ठीक है यहाँ नाइन हंड्रेड आएगा तो हम जो है नाइन हंड्रेड का बनाते हैं इस तरह से यहाँ पे ये जो है बनेगा नाइन हंड्रेड का नाइन हंड्रेड और ये ईयर है टू थाउजेंड ठीक है बच्चो नेक्स्ट आप देखो टू थाउजेंड वन का है इलेवन हंड्रेड इलेवन तो हंड्रेड आएगा यहां पर इसके सेंटर में तो इलेवन हंड्रेड के लिए हम लेते हैं फाइव एंड हाफ ये हो जाएगा और इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा इलेवन हंड्रेड और ये है टू थाउजेंड वन और लास्ट टू थाउजेंड टू के लिए ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड के लिए हम इसको ऊपर लेके जाते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड और टू थाउजेंड टू अब हमने इस तरफ जो है इस एक्सिस पे क्या लिया है Years, और इधर लिया है हमने बाईसाइकिल नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाईस मैनुफेक्चर उसके बाद ये हो गया फिर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन विच वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैनुफेक्चर सबसे ज्यादा जो है किस साल में है टू थाउजेंड टू में तो ए वाले का आंसर बच्चों आप देंगे ए पार्ट का टू थाउजेंड

ठीक है इस तरह से लिख देना है नेक्स्ट करते हैं फोर्थ है बच्चों नंबर ऑफ एज ग्रुप जो है 14 का मतलब क्या है कि एक से लेकर चौदह साल तक के कितने टोटल टू लैक पॉपुलेशन जो है वो वन टू फोर्टीन ईयर्स की है फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड इसी तरह से तो ये सारे इवन हैं है, है ना? तो यहाँ पे हमें बताया गया ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक वन यूनिट लेंथ इज इक्वल ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड के हिसाब से हमें चलना है तो ट्वेंटी थाउजेंड के हिसाब से टू लाख के लिए हमें टेन पॉइंट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस हमारे इस तरफ हम बनाते हैं टेन पॉइंट्स ठीक है इस तरह से और इधर हम बना देते हैं एक्स इस तरह से बच्चों आपने आउटलाइन तैयार कर लेनी है ट्वेंटी थाउजेंड का स्केल लिया, तो इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन यहां पर आ जाएंगे ठीक है अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारा बार कहां तक जाएगा वन टू फोर्टीन में टू लैख तक है तो टू लैख तक हम अपने बार को लेके जाएंगे बच्चों इस तरह से बच्चों ये आपका बार जो है बन जाएगा यहां पे आपने लिख देना है टू लेग शॉर्ट में लिख देते हैं हम टू लेग और ये जो है किस कौन से एज ग्रुप के लिए था वन टू फोर्टीन के लिए ठीक है नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तक वन लेख सिक्सटी थाउजेंड यहाँ तक है यहाँ तक हम अपने बार को लेके जाते हैं इस तरह से बच्चों सिक्सटी था वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तक बना देना है हमने नेक्स्ट जो है बच्चों थर्टी टू फोर्टी फोर वाला वो है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और फोर्टी फाइव टूट फिफ्टी नाइन वाले में भी वन लैखी ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इस तरह से बार बन जाएंगे नेक्स्ट आपका बन जाएगा एटी थाउजेंड तक और लास्ट है फोर्ट तो इस तरह से आपने बार ग्राफ प्रपेयर करना है और यहाँ पे स्केल लिख देना है वन यूनिट सॉरी वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड पीपल ठीक है इस तरह से लिख देना है तो ये बार ग्राफ बन गया अब हमें कुछ के आंसर uh, किस -किस तो किस -किस uh, तो वाले का कौन कौन सा एज ग्रुप है ये थर्टी टू फोर्टी फोर थर्टी टू या फिर सीधा ऐसे डाल लेते हैं थर्टी टू फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एज ग्रुप ऑफ citizen हाउ मेनी सीनियर इन दाउन सिक्सटी से ज्यादा वाले, 60 से ज्यादा से स्टार्ट होता है एटी थाउजेंड और फोर्टी तो थाउजेंड यहां बी वाले के लिए हम प्लस करेंगे एटी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड तो ये आपका हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो इस तरह से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज़ 9.4 कंप्लीट होती है इसी के साथ चैप्टर भी तो और भी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं इस मैथ्स के तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद